या तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे भी आपके साथ होता है कि आप अगर शादीशुदा हैं और आपका अगर कोई मतलब कि सेटिंग है जीएफ है और उससे अगर आप बात करते हो घंटों बात करते हो, अगर आपको घर से कॉल आ जाता है तो आपको तुरंत उसका कॉल छोड़ के आपको इसका कॉल अटेंड करना पड़ता है, नहीं तो वो सक करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब किसी से कॉल पर बात करते हैं और कोई थर्ड पार्टी अगर आपको फ़ोन लगाता है तो उसको कस्टमर की तरफ से एक वॉइस एसएमएस आता है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो अभी दूसरा कॉल पर व्यस्त है। तो इस तरह में ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, आप अगर किसी से बात करते हो ढेर घंटे तक, अगर कोई किसी से आप बात करते हो तो थर्ड पार्टी आपको बाद में बोलता है, जब भी आपसे भेंट होता है या कुछ भी होता है तो आपको बोलता है कि उतना लेट कहाँ से बात करते हो, कहाँ पे उतना देरी तक बात करते हो, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो। या तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे भी आपके साथ होता है कि आप अगर शादीशुदा हैं और आपका अगर कोई मतलब कि सेटिंग है जीएफ है और उससे अगर आप बात करते हो घंटों बात करते हो, अगर आपको घर से कॉल आ जाता है तो आपको तुरंत उसका कॉल छोड़ के आपको इसका कॉल अटेंड करना पड़ता है, नहीं तो वो शक करेगा। फिर भी आपको वहाँ पर सवाल करता है घर में आके कि आप घंटों किससे बात करते हो, जब भी कॉल लगाते हो तब आप दूसरों से बात करते रहते हो। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको इस तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, उसके लिए एक सलूशन लेके आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। आप दिन भर बात करोगे तब पर भी आपका जो थर्ड पार्टी है वो आप उसको समझ में नहीं आएगा कि आप किसी से बात करते हो। बिजी आपका नंबर नहीं बताएगा, आपका जो नंबर है वो कभी बिजी नहीं बताएगा, स्विच ऑफ बताएगा, नहीं तो नेटवर्क नहीं है इस तरह का वहाँ पर आपको उसको मतलब सुनने को आएगा। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे मतलब थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आएगा कि ये किसी से बात कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो चलिए आज का जो ट्रिक है इसी पे हम लोग आज बात करेंगे, तो इस ट्रिक को कैसे एनेबल करेंगे इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑन कर लीजिए, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो किस तरह लगा, ये भी हमें कमेंट करके बोलिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल में जो फ़ोन का सेटिंग है उस सेटिंग में आपको आ जाना है, और यहाँ पे आपको सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है कि आपका कॉल वेटिंग ऑप्शन किस में है, कॉल वेटिंग फॉरवर्ड कॉल किस तरह का जो ब्लॉक लिस्ट कॉल होता है वो किस सेटिंग में है, ये आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल पर फ़ोन का सेटिंग है, आपका जो फ़ोन का सेटिंग है उस सेटिंग में आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आपका सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बहुत सारे यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो इनमें से किसी एक सेटिंग में आपका कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्ड और कॉल ब्लॉक लिस्ट का जो ऑप्शन रहेगा उस वाला सेटिंग को आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो किसी किसी मोबाइल में यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद वहाँ एक फ़ोन का ऑप्शन रहता है, उस पर आने से आपको वो चीज़ आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि वो सेटिंग आपका किस फोल्डर में है, वो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, वो सेटिंग आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, ब्लॉक लिस्ट वाला सेटिंग जो है वो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। अगर आपको यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर ढूंढने पर भी आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च का जो बटन है जहाँ पर मैंने स्क्रॉल करके रखा हूँ, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, सर्च वाला बटन में क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको लिख लेना है यहाँ पे कॉल वेटिंग यहाँ पे लिख लेना है CALLWETING, कॉल वेटिंग आपको यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे सर्च वाला जो बटन है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, सर्च वाला बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको वो वाला सिस्टम ढूंढ लेना है कि कहाँ पे है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ है, और यहाँ पे कॉल सेटिंग सब कुछ यहाँ पे ही है, देख सकते हैं आपको यहाँ पे वाईफाई, यहाँ पे कॉल सेटिंग, यहाँ पे ब्लैक ग्राउंड कॉल बैकग्राउंड, यहाँ पे कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन, कॉल आईडी एंड इस तरह का बहुत सारा आपको सेटिंग मिल रहा है, अदर कॉल सेटिंग, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग, बहुत सारा आपको यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर आते रहना है, और यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है कि कॉल वेटिंग सिस्टम आपका कहाँ पे है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कॉल वेटिंग सिस्टम, इसके नीचे आपको यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग, तो ये दो चीज़ को आपको ढूंढ लेना है, ये दो चीज़ कहाँ पे है आपको अच्छी तरह से ढूंढ लेना है। फिर आपको यहाँ पे कॉल वेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कॉल वेटिंग का जो ये ऑप्शन है, ये अगर आपका इनेबल है तो इसे आपको ऑफ कर लेना है, इसको ऑफ कर लेना है, और यहाँ पे ऊपर में ही देख सकते हैं हमारा कॉल फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे शो कर रहा है, ऊपर में हमारा कॉल फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है वो हमारा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉइस कॉल और यहाँ पे वीडियो कॉल, तो जो वीडियो कॉल है उस पर हम क्लिक कर लेंगे, अगर आप वीडियो कॉल का चाहते हैं तो वीडियो कॉल और वॉइस कॉल का चाहते हैं तो वॉइस कॉल। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं आपका जितना भी कॉल आएगा सब आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जब भी आप बात करोगे किसी से एनी वे बिजी तो आपका कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अगर आप
किसी को अगर आंसर नहीं करते हो तो ये कॉल उसको ट्रांसफ़र कर जाएगा। और यहाँ पे नीचे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क नहीं रहेगा तो ये कॉल किसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, फॉरवर्ड हो जाएगा, बिजी बताएगा या स्विच ऑफ बताएगा। तो हम यहाँ पे जिस टाइम हम बात करेंगे उस टाइम के लिए कॉल को हम फॉरवर्ड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है एनी वीजी, उस पर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एनी वीजी पे आपको क्लिक कर लेना है, फिर आपका सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक नंबर डालना होगा। अगर आपका पास कोई ऐसा नंबर है जो हमेशा स्विच ऑफ रहता है तो उस नंबर को यहाँ डालना देना है, नहीं तो आपको कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर मतलब कि रॉन्ग नंबर हो, कोई भी अपना मन से यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे 10 डिजिट का कोई भी नंबर यहाँ पे हम लगा देते हैं, किसी का भी अंदाजा लगा देते हैं। तो इस पर आप कभी कॉल नहीं कीजिएगा, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी का नंबर ये हो भी सकता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ट्राई मतलब कि अपने दिमाग से लगा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे इसको अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद फ्रेंड्स, जो भी कॉल आएगा, आप जिस टाइम बात करोगे किसी से मोबाइल पर, फ़ोन पे अगर किसी से बात करते हो, तो जो भी कॉल आएगा सब इस नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे ये नंबर तो अवेलेबल नहीं है, तो हमेशा आउट ऑफ रीच बताएगा, या तो स्विच ऑफ बताएगा, या तो उसको बोलेगा कि आप नंबर चेक कर लीजिए, इस तरह का उसको मैसेज वहाँ पर मिलेगा। तो इससे उसको लगेगा कि नहीं, ये तो नंबर लगा नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप किसी से बात कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्रिक था बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।